इसका मुद्दा यह है जी, सुपर हिट रैली के बाद सुपर हिट रोड शो होने जा रहा है 31 मार्च को रोहतक, बहादुरगढ़, भिवानी, तोशाम, सोनीपत, पानीपत इधर। तो अरविंद केजरीवाल जी 31 मार्च को रोड शो करने आ रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस मुद्दे पर। तो जिस तरह से विपक्षी जो हैं पिछली जो रैली अभी हुई है उसको लेकर, वायरल वीडियो को लेकर जो बात कर रहे थे, वो क्या है? हमारी आम आदमी पार्टी ने जब हमने निमंत्रण न्योता दिया था, पीले चावल देकर दिया था, क्योंकि हमने बीजेपी की तरह ना तो हेलमेट बांटे हैं, ना हमारे पास 500 रुपये पेट्रोल देने के लिए थे, ना हमने टी शर्ट बांटी थी। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर रोटी खा के जाते हैं और अपने रैली करके घर आके रोटी खाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है बीजेपी कांग्रेस की तरह जो लोगों को भाड़े पर ले जाएं। ये तो जब उनको और कोई बहाना नहीं मिला, हमारी रैली सफल हो गई, सुपर हिट हो गई, तो बीजेपी वालों ने सोचा कि अब क्या बहाना लगा जाए। इसलिए कुछ लोगों को पैसे दे करके बहका करके उन पर यह कहवा दिया कि भी हमारे पैसे धाड़ी बुलाए थे और हम वो लोग छोड़ कर भाग गए और कोई मुद्दा था नहीं। तो उस वायरल वीडियो को आप साफ साफ नकार रहे हैं मीडिया को? वीडियो तो वायरल उन्होंने वैसे किया ना, अपनी तरफ से अपना बनवाया है। और वीडियो वायरल होता है तो सबसे पहले लोगों के पास जाता है, सबसे पहले वीडियो बीजेपी ने कपिल मिश्रा के पास भेजा है। इससे ये साबित होता है कि वो लोग उन्हीं के थे, वो लोग उनको सेट करके लाए थे और उनसे ही कवाया गया। जब रैली सुपर हिट हो गई तो और को बहाना नहीं मिला। पैसे दे कर, अगर पैसे दे बीजेपी ने दिए थे, पूरे दुनिया में उनका वीडियो वायरल हुआ था कि 500 रुपये देकर लाए थे ये, और फिर भी रैली फेल हो गई। आपने जैसे अभी जो रैली हुई है उसको सुपर हिट बताया है, आप जो रोड शो है इसमें इसको कहते क्या क्या देंगे? कितने लोग जाएंगे? सुपर हिट रोड शो होगा, हर विधानसभा से यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, सभी जगह से जाएंगे और आप देखना कितना अच्छा रोड शो होता है। फरीदाबाद से कितने लोग जाएंगे? सैकड़ों लोग जाएंगे, सैकड़ों गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, सभी लोग गाड़ी लेकर जाएंगे, सभी लोग गाड़ी लेकर जाएंगे। तो बात करें जब वहाँ पहुँचेंगे तो पूरे हरियाणा से लगभग कितने लोग पहुँच सकते हैं? हजारों लोग, हजारों की संख्या में है। एक अशोक तंवर का भी बयान आ रहा है, वो क्या बयान है, क्या उसका जवाब है? अशोक तंवर जी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ एक भी विधायक नहीं है, कार्यकर्ता छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। उनका बयान बचकाना बयान है, उनको जिम्मेदारी है, वो इस तरह से बोल रहे हैं। उनकी साइकिल का पिंचर अपना लगवाए नहीं पा जा रहे हैं, साइकिल रैली है, साइकिल का टायर फटा पड़ा है, क्या बयान दे रहे हैं अशोक तंवर जी? पार्टी को संभाल नहीं, पार्टी भागी जा रही है, हुड्डा जी का रथ वहाँ पड़ा है होटल में, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? फेल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, तो अभी ये सोच रही है। उनको एक बात का पता है कि जो कांग्रेस की वोट है उनको आम आदमी खाती है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में देख लिया है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखलाहट कर घबरा गई। अभी पहली एक रैली से इतना लोगों के अंदर हड़कंप बचा हुआ है, अभी तो रैली बहुत होनी है, अभी तो थोड़े दिन बाद फरीदाबाद में होनी है अरविंद जी की रैली, फिर क्या होगा इन लोगों का? इनको पता है, इनको पता पड़ चुका है कि दिल्ली की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और यहाँ पर तो फुल फ्लैश अरविंद जी अपनी काम करेंगे और दिल्ली की तरह बिजली हाफ पानी माफ, सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, स्कूल शिक्षा दवाई फ्री, सारे इलाज फ्री दिल्ली में, इसी तरह हरियाणा में भी सारे काम होंगे, अच्छे रोड, अच्छे पानी की व्यवस्था। जैसा बिजली का रेट कल 1 रुपये यूनिट कम कर दिया केजरीवाल जी ने, इसी तरह अगर लोगों को अच्छी व्यवस्था चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा, अरविंद केजरीवाल जी को लाना होगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है रैली की जाएगी। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके को लोग पहुँचे? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह सुपर हिट रोल रैली में लोगों ने पहुँच कर अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह रोड शो में भी लोग पहुँचें और सुपर हिट रोड शो करें और देखें, जिससे कि कांग्रेस बीजेपी पहले मैदान छोड़कर भाग जाएंगे।